रविवार को आईपीएल 2024 में दो बड़े मैच खेले जाएंगे। पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। आरसीबी ने इस सीजन खेले 7 में से सिर्फ एक ही मैच जीता है, वहीं कोलकाता की टीम ने 6 में से 4 मैच अपने नाम किए हैं। विराट कोहली और गौतम गंभीर कोलकाता में खेले जाने वाले केकेआर और आरसीबी के मैच से पहले एक बार फिर साथ में नजर आए। दोनों खिलाड़ी काफी अच्छे से एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। इसका वीडियो केकेआर ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि झप्पी लगा लिया, मसाला खत्म। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। रविवार शाम को आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला पंजाब के होम ग्राउंड मुल्लापुर में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच हारकर आ रही हैं। गुजरात को दिल्ली के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, वहीं पंजाब को मुंबई ने हराया था। बीसीसीआई की तरफ से केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ पर स्लो ओवर रेट के चलते मैच के बाद जुर्माना लगाया गया। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में तय समय से एक ओवर पीछे थी। राहुल और गायकवाड़ की इस सीजन ये पहली गलती होने के चलते दोनों पर 12-12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आईपीएल के इस सीजन में अब तक 7 कप्तान इस जुर्माने का सामना कर चुके हैं, जिसमें सभी भारतीय हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 10 से 15 रन कम रहना हार की बड़ी वजह बताई। गायकवाड़ ने कहा कि हमने अपनी पारी का अंत काफी शानदार तरीके से किया और इसमें इससे अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती थी। पावर प्ले के बाद हम अपनी शुरुआत को अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ा सके। लगातार विकेट गंवाने की वजह से हमने 10 से 15 रन कम बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में एमएस धोनी ने बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 9 गेंदों पर 28 रनों की नाबाद पारी खेली। धोनी इस सीजन काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मैच में एमएस धोनी 2 लंबे छक्के जड़े और 3 चौके भी मारे। धोनी का एक छक्का इतना लंबा था कि उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो 42 साल के हैं। उन्होंने यश ठाकुर की आखिरी ओवर में 101 मीटर का लंबा छक्का जड़ा। आईपीएल में केएल राहुल अब बतौर विकेट कीपर सबसे ज्यादा 50 प्लस पारियां खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। राहुल ने सीएसके के खिलाफ मुकाबले में 82 रनों की पारी खेलने के साथ धोनी को इस रिकॉर्ड में पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। राहुल के नाम अब आईपीएल में बतौर विकेट कीपर 25 50 प्लस पारियां खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच के बाद सीएसके टीम के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोनी के टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी नहीं करने को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए बताया कि धोनी के घुटने का दर्द अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं है और ऐसे में वो कुछ ही गेंदे खेल सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि धोनी को सभी लंबे समय तक मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें पूरे टूर्नामेंट में खेलते हुए देखना चाहते हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर को पिछले 50 सालों और उससे ज्यादा समय में क्रिकेट के प्रति उनकी सेवाओं के सम्मान में अमेरिका में बुहन महाराष्ट्र मंडल ने उन्हें जीवन पुरस्कार के लिए चुना है। बीएमएम द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सुनील गावस्कर ने कहा, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि मुझे 27 से 30 जून के बीच सैन जोस में बीएमएम सम्मेलन में जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गौतम गंभीर ने हाल ही में केकेआर के मालिक शाहरुख खान की जमकर सराहना की है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए खुलासा किया कि शाहरुख ने उनके बुरे वक्त में काफी सपोर्ट किया। गंभीर ने कहा कि मैंने ये कई बार कहा है कि शाहरुख खान सबसे अच्छे मालिक हैं जिनके साथ मैंने कभी काम किया है।